नौकरी की तलाश में दो साल में 4.5 लाख से अधिक बेरोजगार पहुंचे रोजगार नियोजनालय। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। राज्य में बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, पिछले दो साल के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। विधानसभा के चालू सत्र में इसे राज्य सरकार ने भी माना है। वर्ष 2019 तक रोजगार नियोजनालय में 85,122 बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण नौकरी की आस में कराया था। दिसंबर 2019 में हेमंत सरकार आने के बाद उन्हें नौकरियों के लिए और भी उम्मीद बंधी। इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी भरोसा दिलाया गया था। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में युवा नियोजनालय में पहुंचे। जनवरी 2020 से जून 2021 तक राज्य के नियोजनालय में 5,60,722 आवेदकों ने पंजीकरण कराया। इसके अलावा बोकारो विधायक बिरंची नारायण के सवाल पर सरकार ने बताया है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव अब तक विचाराधीन है। बेरोजगारी दर झारखंड में सबसे अधिक। बिरंची नारायण ने जाना चाहा था कि झारखंड के 5 पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर झारखंड में है या नहीं। देश भर में इस मामले में यह राज्य चौथे स्थान पर है। राज्य सरकार के कार्यालयों में 5,25,115 पद सृजित है। इनमें से करीब 2 लाख पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। 62% से अधिक पद खाली हैं। इस पर सरकार ने इसे आंशिक स्वीकारात्मक माना।